बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डबल सम्स के बारे में। इससे पहले हमने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन पढ़ा और अब हम डबल सम की तरफ चलते हैं। तो उसी सम से रिलेटेड है, सिग्मा साइन से रिलेटेड है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा समेशन इंडेक्स आते हैं उसे आप कहते हैं डबल सम। अब डबल सम एक से ज़्यादा समेशन इंडेक्स हैं। अब समेशन इंडेक्स कैसे बनते थे, जब आपके पास डमी ज़्यादा होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल गिवन है। यहाँ पर आपके पास जे भी डमी है और आई भी डमी है। इट्स मीन कि आपके पास दो डमी है, तो आपके पास कितने समेशन इंडेक्स बन रहे हैं, एक से ज़्यादा बन रहे हैं ना। तो आपके पास जब दो समेशन इंडेक्स यहाँ पे बन रहे हैं, आई के साथ भी हम समेशन आई इक्वल टू वन टू एन लगाएंगे और समेशन जे इक्वल टू वन टू एन लगाएंगे। तो दो समेशन इंडेक्स बन रहे हैं। तो जब आपके एक्सप्रेशन में दो समेशन इंडेक्स बने और वो आपकी जो वैल्यू है वो वन टू एन वेरी कर रही हो, तो आपके पास कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म बनती है, एंड का स्क्वायर टर्म बनती है। सिंपल सी बात, दो समेशन इंडेक्स, देन इट्स मीन कि आपके पास टर्म्स कितनी एन स्क्वायर। अगर आपके पास तीन समेशन इंडेक्स है तो आपके पास एन क्यूब टर्म्स बनेंगे। अगर आपके पास चार समेशन इंडेक्स हैं, मतलब आई जे के एल हो जाता है अगर आपके पास डमी, तो आपके पास एन की फोर, एन की पावर में फोर आपके पास बनेंगी टर्म्स। ये था थोड़ा सा डबल सम का हमारे पास डेफिनेशन। अब मैंने आपके साथ एक एग्जांपल इसकी शेयर करनी है, तो इसकी एग्जांपल नंबर टू की तरफ चलते हैं जी। एग्जांपल में क्या है, देखें, वही एग्जांपल है। आपके पास दो जे भी डमी है और आई भी डमी है। आपके पास टोटल दो डमी है। इट्स मीन कि आपके पास टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनने वाली हैं, एन का स्क्वायर टर्म्स बनने वाली हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डमी में क्या होता था, हमारे पास जो डमी वैल्यू होती थी उनमें से हम किसी एक को कांस्टेंट रख लेते थे और दूसरी को एक्सपेंड करी जाते थे। अब हमें उसने यहाँ पे गिवन कर दिया है कि आई वन टू थ्री है, जे भी वन टू थ्री है। अब हम क्या करेंगे, आई या जे में से आप किसी भी वैल्यू को फिक्स कर लें और दूसरी वैल्यू को जो है वो एक्सपेंड करिए। अब मैं यहाँ पे हमने क्या किया कि आई को फिक्स कर लिया। आई को किस तरह से फिक्स कर लिया, आई हम जब यहाँ से वन लेंगे, आई वन पुट करूँगी मैं, तो ए वन जे एक्स वन वाई जे हो जाएगा। आई टू पुट करूँगी तो ये वैल्यू आएगी, आई थ्री पुट करूँगी तो ये वैल्यू आएगी। अब हमने आई को एक्सपेंड किया और वाई को फिक्स कर, सॉरी जे को फिक्स कर लिया। आप जे के ऊपर सम फाइंड करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखें आपके पास कितनी टर्म्स आई हैं सम करने से। समीशन को ओपन करने के बाद हमने इसका सम किया तो हमारे पास कितनी टर्म्स आई हैं, तीन टर्म्स आई हैं। तो हमारे पास जब दो डमी होते थे, दो समीशन बनते थे और हमारे पास टर्म्स कितनी बनी है, तीन बनी है, मतलब एन कितना है यहाँ पे, थ्री है। तो आपके पास हम इसका एन थ्री है और आपके पास समीशन इंडेक्स कितने थे, दो थे, तो थ्री का स्क्वायर, मतलब कि मेरे पास आगे कितनी टर्म्स बनने वाली हैं, नाइन टर्म्स बनने वाली हैं। तो अब हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास इसकी एक्सपेंशन में नाइन टर्म्स बनेगी। अब हम जे की वैल्यूज पुट कर ही आएंगे, तो ए वन है ऑलरेडी, तो जे की रिप्लेसमेंट में वन पुट कर दिया, एक्स वन एज इट इज़ एंड वाई की में जे की रिप्लेसमेंट पे वन पुट कर दिया। अभी हम सिर्फ इस वाली फॉर्म को हल सॉल्व करेंगे, बाकी क्यों नहीं आपने देखना है। एक को हल करेंगे, इसमें जे वन पुट करेंगे, जे टू पुट करेंगे, जे थ्री पुट करेंगे। सिमिलर वे में जे टू पुट किया है, देन जे थ्री पुट किया है, ठीक हो गया। देन इस वाली फॉर्म में हम जे वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, वन पुट किया, टू पुट किया, थ्री पुट किया, देन इसमें जे वन टू थ्री पुट करेंगे, तो टोटल आपके पास ये नाइन टर्म्स बननी चाहिए। तो ये देखें, थ्री थ्री सिक्स और थ्री, नाइन टर्म्स बनी हैं। तो हमने इसकी एक्सपेंशन कर लिया, ये इतनी एक्सपेंशन थी। इसके बाद हमारे पास इसकी रिलेटेड एक और एग्जांपल है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इक्वेशन फॉर एन इक्वल टू टू कोरिस्पोंडिंग तक एक्सप्रेशन, एन उन्होंने आपको गिवन कर दिया है टू है। अब सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास डमी कितने बने हैं इसमें। हम हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है y के सबस्क्रिप्ट में आई, देन सी आई आर टेंसर कह सकते हैं इसे, ए सबस्क्रिप्ट आर एस एक्सेस। अब मेरे पास यहाँ पे देखें r भी टू टाइम आया है, s भी टू टाइम आया है, तो r और s दोनों डमी हो जाएंगे और i सिंगल है, तो ये हमारे पास फ्री हो जाएगा। तो हमें i r s की वैल्यू उन्होंने कहा है कि हम कोई वैल्यूज ले लेते हैं, वन टू वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब
क्या करेंगे, किसी एक डमी को फिक्स कर लेते होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है जी, सी आई को फिक्स कर लिया क्योंकि आई फ्री था, बट हम यहाँ पे डमी को भी फिक्स कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम उन्होंने आई को फिक्स कर लिया है, आर और एस को वो एक्सपेंड कर आएंगे। अब आपके पास एन टू है, दो समीशन इंडेक्स बन रहे हैं। तो जब आपके पास दो समीशन इंडेक्स हों और आपके पास कितनी टर्म्स बनती हैं, एन का स्क्वायर टर्म्स बनती हैं। तो सिंपल सी बात, आपके पास एन भी टू है और समीशन इंडेक्स भी टू है, तो इट्स मीन टू का स्क्वायर आपके पास कितना बन जाएगा, फोर। मतलब कि आपके पास आंसर में कितनी टर्म्स आने वाली हैं, फोर टर्म्स आने वाली है। यहाँ इतना अच्छा लिखा नहीं जाता लेकिन होप्स आपको समझ आ जाएगी। तो आपके पास फोर टर्म्स बनेगी। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आई उन्होंने फिक्स कर लिया है, आई फिक्स किया मतलब कि आई को उन्होंने वन फिक्स कर लिया है। और ये देखें, सी वन आर ए आर एस एक्स एस हो गया। देन सी वन आर अब एस की एक्सपेंशन की है और फिर इसके बाद आर की एक्सपेंशन कर लेंगे। एस आर की कर लें, एस की कर लें, पहले एक ही बात है। अब मैं यहाँ पर अगर R फिक्स कर लूँ ना, R वन पुट कर दूँ, S ऐसे ही रहने दूँ, यहाँ पे R टू पुट कर दूँ, S ऐसे ही रहने दूँ, तब भी मेरे पास लास्ट पे यही आंसर बनेगा। आप R की फिक्स करें, S की फिक्स करें, एक ही बात है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे कि S फिक्स कर लिया है तो A R वन बन जाएगा और S X में भी आपके पास वन बन जाएगा। सिमिलरली R सॉरी S टू पुट करेंगे और इधर भी S टू पुट करेंगे तो ये बन गया। अब हमने R को पुट करना है तो आर किस तरह से पुट करेंगे, देखें सी वन, अब इस वाले में, इस एक्सप्रेशन में आर वन भी पुट करना है, आर टू भी पुट करना है। तो देखें सी वन वन हो जाएगा, ए वन वन हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, देन सी वन टू हो जाएगा जब आर आर टू पुट करेंगे तो ए टू वन हो जाएगा और एक्स वन हो जाएगा। तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म सिर्फ इस वाले से आई है। देन आपने इस फॉर्म पे आना है तो इस फॉर्म पे भी आप आर वन पुट करेंगे, आर टू पुट करेंगे, तो ये वन वन हो गया, वन टू हो गया, एक्स टू हो गया। आर की रिप्लेसमेंट में वन पहले पुट किया और फिर आर की रिप्लेसमेंट में टू पुट किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखें आपके पास टोटल वन टू थ्री फोर टर्म्स बनी है। तो हमारे पास यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपके पास एम सी क्यूज आ सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास डमी कितने हैं अंदर। और अगर तो उन्होंने आपको एन गिवन किया है तो आपके पास अगर दो डमी है और एन उसने देखें दो दे दिया था तो एन की वैल्यू पुट की, एन का स्क्वायर टर्म बनेगी ना। जब आपके पास दो डमी है मतलब कि आपके पास दो समीशन साइन आएंगे और जब दो समीशन साइन आएंगे तो एन स्क्वायर टर्म्स बनती हैं। एन की वैल्यू पुट की और टू का स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास फोर आ गया। तो हमारे पास यहाँ से एम सी क्यूज आ सकता है कि आपके पास इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स बनेगी। तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता सॉल्व करने का। आप एक बात याद रख लें, दो दो समीशन है तो स्क्वायर टर्म्स, तीन समीशन है तो एन क्यूब, फोर है तो एन फोर, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास क्वेश्चन के लिहाज से, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में अब अव्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।